हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू एग्जाम मेडी जी। आज का हिंदी एडिटोरियल है जिसका जो टाइटल है टॉकिंग एमिस्ट कॉन्फ्लिक्ट। फ्रेंड, उससे हम लोगों ने 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड पिकअप किया है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। को सारे एग्जाम में ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं, यदि आप वोकेबलरी को सही से रिमेम्बर करते हैं तो आपको दो तीन फायदा होने वाला है। पहला तो आप एडिटोरियल को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, दूसरा आपके एग्जाम में वर्ड से रिलेटेड जो भी एंटो साइनो ये सब आते हैं आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ ये सीरियल नंबर 15 इसलिए है फ्रेंड कि कल हम लोगों ने 1 to 14 किया था। आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कीजिए और वहाँ से उसको देखिए। आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है रैंकर। स्पेलिंग देखिए, RANCOUR, रैंकर। रैंकर ये नाउन है फ्रेंड। अब इसका मीनिंग हम देख लें तो इसका होता मीनिंग होता है बिटरनेस और रिजेंटफुलनेस, स्पेशली वेन लॉन्ग स्टैंडिंग। यदि किसी दो पर्सन, किसी दो संस्था, किसी दो देश या किसी दो चीज के बीच बहुत लंबे समय तक चलने वाला जो कटुता है, राइट, उसको हम कहते हैं रैंकर, राइट। ही स्पोक विदाउट रैंकर, वो वे बात की, मतलब उन्होंने बात किया बिना कोई रिजेंटमेंट के। इसका यूज इन सेंटेंस ऐसे हो सकता है फ्रेंड, यदि हम इसका सिनोनिम्स देखें तो ये हो जाएगा बिटरनेस, स्पाइट, हेट, मैलाइस, राइट, मैलिस, मैलिस, इसका एस प्रोनाउंसिएशन होता है मैलिस, राइट। तो इसका मतलब होता है बिटरनेस, जो कटुता होते हैं, हेट, घृणा इत्यादि, ये हो सकता है आपका सिनोनिम्स। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, ये है पेरिलियस। पेरिलियस, राइट, इसका मतलब, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, राइट। यदि कोई डेंजर हो या रिस्क हो ऐसा हो तो हम कह सकते हैं जो ये पेरिलस है, राइट। अ पेरिलस जर्नी साउथ, पेरिलस जर्नी इज, आप कह सकते हैं जो डेंजरस है, इस तरह से इसका यूज इन सेंटेंस हो जाए, यूजेज इन सेंटेंस हो जाएगा। इसका यदि हम सिनोनिम्स देखते हैं तो डेंजरस, रिस्की और अनसेफ, ये हो सकता है फ्रेंड। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जरूर चैनल को एक बार टूर कीजिए फ्रेंड। आपको यहाँ मिलेगा द हिंदू एनालिसिस का जो एवरीडे 7 to 8 के बीच में आपको मिल जाएगा हिंदू एनालिसिस। इसके बाद आपको मिलेगा फ्रेंड जो ये वोकेबलरी जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, एवरीडे ये 10 to 20, बिटवीन 10 to 20, इतना जो इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं डालता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसलिए मैं आप उसे कहता हूँ, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि पुराने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा फ्रेंड। किसको? एग्जाम में दीजिए को फ्रेंड, राइट। नेक्स्ट हम आज का जो इम्पोर्टेंट वर्ड देखते हैं कंटेंसस। कंटेंसस स्पेलिंग देखिएगा फ्रेंड, CON कंटेंसस, राइट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो कोई ऐसा चीज जो कारण बने आर्गुमेंट का, राइट। कंटेंसस जो आप ये कह सकते हैं जो दो चीज के बीच जो आर्गुमेंट वाली बात होती है उसको कंटेंसस कहा जाता है। जैसे कि अ कंटेंसस इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इस, आप कुछ भी कह सकते हैं, राइट। कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, डिस्प्यूटेबल कह सकते हैं, डिबेटेबल कह सकते हैं फ्रेंड, राइट। तो ये सब इसका सिनोनिम्स हो गया, इसका मीनिंग आप समझ ही रहे हैं और ये इसका यूज इन सेंटेंस हो गया फ्रेंड। आज का जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, ये एंड्योर। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये फेवरेट है, कई सारे एग्जाम में, SSC में तो कई बार पूछा गया, राइट। तो इसका मतलब होता है जो रिमेन इन एग्जिस्टेंस, या आप परसिस्ट कह सकते हैं या फिर कंटिन्यू कह सकते हैं, एंड्योर। जैसे कि दीज सिटीज हैव एंड्योर टफ टाइम, थ्रो टाइम, सॉरी। तो ये इसका यूज इन सेंटेंस हो गया फ्रेंड, परसिस्ट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस और कंटिन्यू, राइट। तो ये एंड्योर का मतलब हो गया। आज का जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वर्ड है इंसुलेट। इंसुलेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? इंसुलेट मतलब होता है कि प्रोटेक्ट कोई चीज को करते हैं किसी से फ्रॉम अनप्लेजेंट इन्फ्लुएंस और एक्सपीरियंस। किसी चीज को या किसी व्यक्ति को आप प्रोटेक्ट करते हैं किसी बाहरी प्रभाव से, तो उसको आप इंसुलेट कहते हैं। जैसे कि जो इसका द सर्विस इज इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर, ये जो सेवा है बाहरी दबाव से उसको प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे प्रोटेक्टेड और ऐसे वी सेव, सेव आप कह सकते हैं फ्रेंड, राइट। तो ये आज का अपना इंपॉर्टेंट वर्ड था। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आप जरूर पहले चैनल को उसको विजिट कीजिए। यदि आपको लगता है कि इफ दिस चैनल एड्स वैल्यू टू योर एजुकेशन और नॉलेज और योर एक्सपीरियंस इन योर एजुकेशन, तो जरूर आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका अपना यूट्यूब फैमिली है फ्रेंड, उसको आप जितना बढ़ाएंगे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और आपको भी मिलेगा। हम
ऐसी नए नए चीज, नए नए तरीके से अच्छे अच्छे चीज आपके लिए लाते रहेंगे फ्रेंड। आज का जो इम्पोर्टेंट वर्ड और नेक्स्ट वर्ड है ये है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है फ्रेंड? डिस्कॉर्ड मतलब होता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल, कोई असहमति वाली बात होती है उसको हम डिस्कॉर्ड कहते हैं। इसका ये नाउन है और इसका जो सिनोनिम्स हो जाता है स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी, डिसएग्रीमेंट, ये सब आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ऐसा वर्ड कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड, राइट? तो इसका हम एक यूजेज देख लेते हैं कि अ प्रोस्पेरस फैमिली हु शोड नो साइन ऑफ डिस्कॉर्ड। एक जो समृद्धशील और जो परिवार है वो कोई डिस्कॉर्ड वाली बात उसके अंदर नहीं है, कोई शो नहीं कर रहा है डिस्कॉर्ड, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा है, राइट? तो इसको हम डिस्कॉर्ड कहते हैं, असहमति, असहमति फ्रेंड। आप इसको ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड ये है अनफैदमेबल, अनफैदमेबल, राइट? इसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग फुली एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टूड। कोई चीज़ आप बिल्कुल समझने में असमर्थ हो तो अनफैदमेबल, राइट? वो एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स हो सकता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स समझने योग्य, समझा जा सकता है, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स जो समझा नहीं जा सकता है, जो एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता है, उसको अनफैदमेबल कहते हैं। जैसे कि हर ग्रे आइज वर डार्क विद सम अनफैदमेबल इमोशन, जैसे कि उसका जो ग्रे आइज है वो बिल्कुल बिनो ब्लैक हो गया है कुछ अनफैदमेबल इमोशन के साथ, मतलब आप बिल्कुल समझ नहीं सकते वो क्या सोच रहा है, सोच रही है, राइट? तो इसको हम अनफैदमेबल कहते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड, इनऑग्यूरेशन। इनऑग्यूरेशन मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो इनिशिएशन, शुरुआत होता है, लॉन्च, कोई चीज़ को आप लॉन्च करते हैं, कोई चीज़ को शुरुआत करते हैं, ये नाउन है फ्रेंड। और इसका जो मीनिंग होगा द फॉर्मल एडमिशन ऑफ समवन टू ऑफिस, ये एक मीनिंग है। अब कई सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं, कोई चीज़ का पीरियड का शुरुआत हो या किसी चीज़ का ऑफिस का शुरुआत हो तो इनाग्रेट करते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट्स इनाग्रेशन, जो प्रेसिडेंट का सेरी सेरी मतलब सेरी बेस जो फर्स्ट पोस्ट होल्डिंग है तो वही शुरुआत आप कह सकते हैं, राइट? और आज का जो नेक्स्ट वर्ड है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन मीन्स आप कई सारे लोग जानते होंगे, प्री कंडीशन मीन्स होता है जो प्रीरिक्विजिट, जो जरूरी है लेकिन पहले जरूरी है। जैसे कि इसको हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, अ कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर अदर थिंग्स कैन हैपन और डन, दूसरे चीज़ के होने से पहले जो शर्तें हैं वो पूरा हो जाना चाहिए, उसको कहते हैं प्री कंडीशन। कि अ प्री कंडीशन फॉर पीस इज टू टू इसको आप कह सकते हैं, द प्री कंडीशन फॉर पीस इज टू डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय द हजार्डस और डेंजरस वेपन्स, आप कह सकते हैं जो ये कंडीशन है शर्त के लिए, मतलब पीस के लिए कंडीशन है। आज का जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, ऑन द कंट्रारी, ये इजी है लेकिन मुझे लगा जो मैं आपको सही यूज इसका बता दूं, ये इसका ये फ्रेज है फ्रेंड, राइट? इसका मीनिंग हम कह लें रैदर। रैदर का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले मैं सेंटेंस बताऊंगा फिर मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। देर वॉज नो मैलिस इन हर, ऑन कंट्रारी शी वॉज वेरी काइंड। ये कह रहा है उनमें कोई पछतावा नहीं है, रिजेंटनेस नहीं है, एंग्री नहीं है, बल्कि वो क्या है, काइंड है। तो ऑन द कंट्रेरी मतलब बल्कि आप कह सकते हैं, इन हिंदी में जो हम कहते हैं यूज टू इंटेंसिफाई डिनायल ऑफ व्हाट हैज बीन, ये सब लॉन्ग डेफिनेशन है। रैदर के सेंस में आप कह सकते हैं, जहाँ ये नहीं हो कि ये होना, बल्कि ये सेंस जहाँ भी हो आप कह सकते हैं, जो ऑन द कंट्रेरी। तो फ्रेंड इस तरह से आज हम लोगों ने 10 नए वर्ड देखा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पर जाएँ, उसको देखें, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे चीज़ अपलोड किया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा उद्देश्य है जो इंग्लिश को मैं बिना कोचिंग के आम जितने भी गरीब और यूं कह ले जो जो एफोर्ट नहीं कर सकता है मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो ये बिल्कुल फ्री इनिशिएशन है इंग्लिश, राइट? आप जरूर उसको वॉच कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।